कि नाबालिग बालिका जब घर के बाहर खेल रही थी, भेला फुसला कर अपने घर ले गया और बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर उसके साथ छेड़छाड़ की। आज पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश श्री बन्नालाल जी जाट द्वारा पोक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। घटनानुसार परिवादिया ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना ब्यावर में इस आशय की दर्ज कराई थी, उसकी नाबालिग बालिका जब घर के बाहर खेल रही थी रात्रि को, तो उसके पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति उसे भेला फुसला कर अपने घर ले गया और बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर उसके साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म किया। बच्ची ने घर पर आकर अपनी माता को घटना के बारे में बताया। माता ने उस व्यक्ति को होलमा दिया तो वो व्यक्ति इस घटना से इनकार कर रहा था, तो मौके पर पुलिस आई, पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले गई और धारा 151 में उसको गिरफ्तार करके पेश किया और पुलिस ने फिर प्रकरण में अनुसंधान किया तो उस व्यक्ति पीड़िता के बयान 161 और 164 के बयान के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया और दौरान अनुसंधान अभियोजन पक्ष की ओर से इस प्रकरण के अंदर 16 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए और माननीय न्यायालय के समक्ष पीड़िता के ने अपने जो पुलिस को दिए थे बयान उन बयानों की तायद माननीय न्यायालय के समक्ष की। माननीय न्यायालय ने उस पर विश्वास करते हैं आज अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया और माननीय न्यायालय ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपये अलग से दिलाए जाने के आदेश किए। रुपेंद्र कुमार परियार, विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो कोर्ट संख्या के।